हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आखिर जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए जीएसटी के अंदर, एंड कब से जीएसटी आया, एंड जीएसटी के अंदर कितने एक्ट बन गए, 35 एक्ट्स। ओके, और हमको क्या पढ़ना है हमारे सिलेबस के लिए, ये भी आपको शायद समझ में आ गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि फंडामेंटल इज एब्सोल्युटली सेम। क्रेडिट को लेकर, आईटीसी को लेकर, जो फंडामेंटल सैंडविच क्रेडिट में था, जो वेट क्रेडिट में था, वही किसमें है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में है। और सर, जो एक्साइज का सैंडविच क्रेडिट था, सर्विस टैक्स का सैंडविच क्रेडिट था, वही सीजीएसटी का क्रेडिट है। और जो वेट का क्रेडिट था, वही क्या है सर, एसजीएसटी का क्रेडिट है। इसलिए 10 का क्रेडिट क्यों मिला, वो फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम है। शायद आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बातें सारी क्लियर हो गई। आइए शुरू करते हैं हम जीएसटी का एग्जैक्ट कानून क्या है, प्रोविजंस क्या कहते हैं। सर, सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 1। कोई भी एक्ट, कोई भी रूल जब बनता है तो उसका सेक्शन नंबर 1 बताता है कि इस रूल का या इस एक्ट का नाम क्या है, कहां ये एप्लीकेबल होगा, कब से एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 1 कहता है कि सर, इस एक्ट का नाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 होगा। इट शेल एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया। पहले एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर था, पर सिंस ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, इसलिए 8 जुलाई को महबूबा मान गई। महबूबा मतलब महबूबा मुफ्ती भाई, ओए सर, 8 जुलाई को स्पेशल ऑर्डिनेंस लाके जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको एप्लीकेबल कर दिया। ओके, क्योंकि उस टाइम पे आर्टिकल नंबर 370 था। ओके, तो सर प्लस एप्लीकेबिलिटी डेट 1 जुलाई 2017 से ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, जिसको जीएसटी डे और डॉक्टर्स डे के नाम से भी जानते हैं सर। सरकार, यहां तक आपको बात समझ में आई, ये था आपका सेक्शन नंबर 1। आइए सर, हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट। ओके, हम सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं सर, सेक्शन नंबर 9। सुनेगा ध्यान से, कोई भी टैक्स, हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स हो, टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, पर उसको कलेक्ट करने का पावर होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। और वो कलेक्ट करने का पावर सर, टैक्स चार्ज करने का पावर एक पर्टिकुलर सेक्शन से मिलता है, उस सेक्शन को बोलते हैं हम चार्जिंग सेक्शन। आई रिपीट, जिस सेक्शन से गवर्नमेंट को पावर मिलता है टू चार्ज एनी पर्टिकुलर टैक्स, दैट एक्ट इज, दैट सेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। हम सबसे पहले सर, ये जीएसटी चार्ज कैसे हुआ, किस सेक्शन के थ्रू हुआ, वो हम पढ़ेंगे। अदर प्रोविजंस पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जीएसटी किस वजह से चार्ज हो रहा है, किन पे चार्ज होता है। चार्जिंग सेक्शन की हम बात करें, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 कहता है कि सी जीएसटी शेल बी लेविड, इस सेक्शन की वजह से लेवी हुआ सब, इसलिए बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन इसको। सी जीएसटी शेल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन द स्टेट सप्लाई करने पर सीजीएसटी चार्ज होता है, और सेम एसजीएसटी चार्ज होता है, और आईजीएसटी चार्ज होगा इंटर स्टेट पे, जो आईजीएसटी एक्ट में कवर होगा। ओके, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 कहता है सीजीएसटी शेल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दारू सर, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहल लिकर के सर कमर्शियल यूज भी है, हाँ है ना भाई, इंडस्ट्रियल यूज भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ बहुत सारे लोग सोच रहे सर दारू तो दवा की तरह काम आती है, बहुत सारे लोग ले बे, ओ सर सर सुना बात ध्यान से, तो यस कई सारी जगह इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी एल्कोहल काम आता है, वहां पर जीएसटी लेवी होगा। सरकार, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर, सुनिएगा ध्यान से बेटा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि बिफोर जीएसटी ऑल्सो इस पर एल्कोहल लिकर पर वेट लगता था, स्टेट गवर्नमेंट का लेवी, प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं था। मतलब एक्साइज और वेट दोनों रेवेन्यू था किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। और अगर इसको जीएसटी मर्ज कर लेते तो सर रेवेन्यू डिवाइड हो जाती 50-50% सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू लूज देयर रेवेन्यू। उन्होंने कहा हम पिएंगे अकेले ही सर, और मोदी जी ने बोला हम तो वैसे भी नहीं पीते हैं। तो सरकार क्रिमिनल के जीएसटी लेवी नहीं किया, किस पर, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर। ओके सरकार, और आगे बात करते हैं हम सर, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 ने लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कवर्ड इन सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 2 की बात करेंगे, जिसमें पेट्रोल के लिए बातें लिखी है कि इन पे भी जीएसटी लेवी नहीं होता, पर बात करेंगे 2 मिनट बाद। ओके सर, सी जीएसटी शेल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। देखो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल क्यों लिखा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जीएसटी काउंसिल जो
रिकमेंड करेगी उसी अकॉर्डिंग इनको एक्ट में लिखना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग रेट चार्ज करनी पड़ेगी, सो दैट सारे स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में रेट सेम रहे. ओके, एट द रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल. पर सर ये टैक्स जो लगेगा किस पे लगेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगेगा, और वैल्यू हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15 में जो इसमें लिखा है. ओके सर, वैल्यू विल बी डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 15 एंड इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन. आई रिपीट, इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन. इसका मतलब ये होता है कि जीएसटी कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन पे करेगा. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है, वो डिफाइन किया है. टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. ध्यान देना बड़ा बहुत काम की बात है. अ पर्सन जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, जिसपे लायबिलिटी नहीं थी जीएसटी की, पर उसने फिर भी रजिस्ट्रेशन ले लिया वॉलंटरीली, तो वो भी टैक्सेबल पर्सन के स्कोप में आ गया, क्योंकि अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड becomes taxable person and once he is a taxable person, sir, उस पर charging section attract हो गया है, section number 9, subsection 1, इसलिए भले उसका threshold limit for registration cross हो या ना हो, उसने अगर registration करवा लिया है, it means he is a taxable person और उसको उसकी taxable supply पे tax pay करना पड़ेगा. Second बात, a person who is liable to be registered, अब मान लो आप liable to registration थे, as per provisions contained in section number 22-24, हम पढ़ेंगे बाद में, पर आपने registration नहीं करवाया, फिर भी you are a taxable person, तो ध्यान देना बेटा, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे. टैक्स तो आपसे सरकार लेगी लेगी, छोड़ेंगे नहीं सरकार. पॉइंट समझ में आपको? ओके तो सर, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वो टैक्सेबल पर्सन है और उस पर जीएसटी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे और जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा ऑन टैक्सेबल सरप्राइज. ओके तो सर, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 समझ में आया होगा, चार्जिंग सेक्शन है. आई रिपीट, सी जीएसटी शेल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल ऑन द वैल्यू एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 15 एंड इट शेल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन. सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 बोलता है पांच गुड्स. सर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो फ्लाइट में लगता है, एंड नेचुरल गैस. ये पांच गुड्स ऐसी है जिसपे जीएसटी लेवी होगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुआ. आई रिपीट, पांच गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस. ये पांच गुड्स पे जीएसटी लेवी होगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल. तो कुल मिला के सर, ये पांच गुड्स अब तक नोटिफाई नहीं हुई है, इन पे भी जीएसटी लेवी नहीं होता है. तो पांच गुड्स ये और एक दारू ऊपर जो हमने पढ़ा, ये छह गुड्स ऐसी है जिन पर अभी जीएसटी लेवी नहीं होता है, इन पे जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे वो ही अभी लग रहे हैं. ओके तो पांच गुड्स कौन कौन से? घूम लो और झूम लो सरकार. अरे पेट्रोल वगैरह तो घूमने के लिए काम आता है, और झूमने के लिए आपको पता है माहौल सरकार. पॉइंट ये है, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन पांच गुड्स और एक पेट्रोलियम एक एल्कोहल लिकर, ये छह गुड्स एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये छह गुड्स पे जीएसटी अभी लेवी नहीं होता, इसलिए इन छह गुड्स को नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी बोलते हैं. ये टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं है, इन पे लेवी ही नहीं होता है टैक्स. ओके सर, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2. सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 दिल थाम के सुनेगा. गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ. वो गुड्स और सर्विसेज और बोथ को नोटिफाई कर सकते हैं, नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि इन गुड्स और सर्विसेज और बोथ के सप्लाई पर रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. और ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा. और हाँ, ध्यान देना, गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज करके कुछ गुड्स भी नोटिफाई किए और कुछ सर्विसेज भी नोटिफाई करी जहां पर रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट लायबल होगा. पर किन किन गुड्स पर रिवर्स चार्ज लगेगा ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है, पर किन किन सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल होता है ये हमारे सिलेबस में आता है. ये पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे, हमने एक अलग चैप्टर दिया है पूरा चैप्टर नंबर 7 जहां पे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पूरा सेक्शन पढ़ने वाले. पर जस्ट आइडिया के लिए आपको बताता हूं मैं कि आखिर रिवर्स चार्ज क्यों आया, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. तो सर, ऐसा नहीं कि कुछ सर्विसेज जहां गवर्नमेंट लगता है या कुछ गुड जहां गवर्नमेंट लगता है, यहां एक काम करो, रेसिपिएंट को परेशान कर दो टैक्स पे करने के लिए या सिस्टम को कॉम्प्लिकेट कर दो. ऐसा नहीं है भाई. सर, देर आर लॉजिक्स. एक एग्जांपल देता हूं मैं. सर, फॉर एग्जांपल, आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी. कहां से भाई? आउट ऑफ
इंडिया से इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करी, सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, सर्विस रेसिपिएंट इंडिया में है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू बात कर लेते हैं, आपको मजा भी आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। मान लो सर्विस सप्लायर है कौन, मिस्टर डॉन। यस, मिस्टर डॉन, डॉन ने सर्विसेज प्रोवाइड करी इंडिया में मिस्टर कौन को। सर वैल्यू ऑफ सर्विसेज, अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, गुड्स के इंपोर्ट पे लगता है कस्टम्स प्लस जीएसटी, सर्विसेज के इंपोर्ट पे कस्टम नहीं लगता है, सर्विसेज के इंपोर्ट पे तो आईजीएसटी लगता है सर। चलिए सर वैल्यू ऑफ सर्विसेज थी मान लो ₹10 लाख, उस पे आईजीएसटी की लायबिलिटी आती है। अब आईजीएसटी क्यों लगता है बात पढ़ेंगे बाद में हम, पर लगता है ये समझ लो। चलो आईजीएसटी और सीजीएसटी अभी छोड़ो, जीएसटी लग रहा है साहब, ठीक है। कितना 18%, सपोज 1,80,000, टोटल कम्स टू 11,80,000। सर डॉन ने सर्विसेज प्रोवाइड करी हिंदुस्तान में मिस्टर कौन को, अब उसका जो बिल था वो 10 लाख रुपए का था, प्लस उस पर जीएसटी 1,80,000, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी लगता है साहब, टोटल हो गया 11,80,000। अब सोचिए अगर हिंदुस्तान का जो रेसिपिएंट है मिस्टर कौन, उसने पूरा 11,80,000 डॉन को पे कर दिया होता, तो क्या आपको लगता है आउट ऑफ इंडिया में जो डॉन बैठा है जिसने सर्विसेज दिए 10 लाख की, उस पर 1,80,000 उसने जीएसटी ले लिया हमसे, क्या आपको लगता है वो मिस्टर डॉन आउट ऑफ इंडिया से हिंदुस्तान में आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा जीएसटी में, आपको लगता है वो 1,80,000 रुपए जीएसटी पे करेगा, अपना रिटर्न फाइल करेगा, आपको लगता है? अरे लगता है आपको नहीं सर, वो आउट ऑफ इंडिया में, वो इंडिया के कानून क्यों फॉलो करेगा, इंडिया में आकर रजिस्ट्रेशन क्यों कराएगा, और अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट उसको पकड़ लेगी आउट ऑफ इंडिया जाके और उससे टैक्स रिकवरी कर लेगी? अरे भाई हिंदुस्तान वालों से रिकवरी ना हो पा रहा है, आउट ऑफ इंडिया कैसे हो पाएगा? इसीलिए सर, इसीलिए इस तरह के केसेस में गवर्नमेंट ने बोल दिया, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है तो जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस होगा वो ही क्या करेगा, डायरेक्टली टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। सर यहां पर सप्लायर से, सप्लायर मतलब मिस्टर डॉन से टैक्स लेना पॉसिबल नहीं था, क्यों? क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कुल मिला के आउट ऑफ इंडिया यार इंडियन गवर्नमेंट कैसे रिकवरी करने जाएगी? इस कारण से सर यहां पे रेसिपिएंट जो मिस्टर कौन है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। क्लियर, समझा मेरी बात बच्चों? तो यहां पर जो जीएसटी का अमाउंट है वो मिस्टर कौन ही पे करेगा डायरेक्ट गवर्नमेंट को। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? क्लियर, ओके। अब क्या होगा, मिस्टर कौन जो होगा, ओके, मिस्टर कौन जो होगा वो क्या करेगा भाई, ये 10 लाख रुपए डायरेक्ट पे करेगा किसको, मिस्टर डॉन को, और 180 डायरेक्टली पे करेगा किसको, गवर्नमेंट को। सर क्लियर, तो यहां रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इस तरह के लॉजिक से, इस तरह के लॉजिक से सारी सर्विसेज में जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है या सारी गुड्स में जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है। क्लियर, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिकवरी एजेंट्स, वसूली भाई, सर अगर कोई डिफॉल्टर, कोई जिसने लोन लिया हुआ है वो डिफॉल्ट करता है, लोन पे नहीं करता है, तो बैंक क्या करता है सर, वसूली भाई को ओपन करता है, रिकवरी एजेंट को ओपन करता है, रिकवरी एजेंट क्या करता है उनसे रिकवरी करता है, और जितना अमाउंट रिकवर हुआ है उसका एक सर्टेन परसेंटेज या कोई भी फीस जो भी डिसाइड करी है वो रिकवरी एजेंट को दी जाती है। सर अब रिकवरी एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब आपको लगता है वो रिकवरी एजेंट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर पाएगा? सोचो बैंक ने अगर जीएसटी का अमाउंट उस रिकवरी एजेंट को दे दिया तो क्या आपको लगता है वो रिकवरी एजेंट वसूली भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा जीएसटी में? नहीं ना। अब सोचो अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो क्या गवर्नमेंट उससे रिकवरी करने जाएगी? दो ऑफिसर रिकवरी करने गए, वापस आए नहीं। खुद रिकवर हो गए। तो सर इसलिए, इसलिए वहां पे क्या लगा दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया, और रिकवरी एजेंट ने जो सर्विसेज दिए बैंकिंग कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वहां बोल दिया बैंकिंग कंपनी तुम ही टैक्स पे करोगे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, हम रिकवरी एजेंट से ना ले पाएंगे, ना हो पाएगा। क्लियर, तो इस तरह की कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स जहां गवर्नमेंट को लगा कि यहां सप्लायर से टैक्स रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है या बड़ा डिफिकल्ट है, वहां गवर्नमेंट ने सिस्टम को ध्यान में रखते हुए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया, और वहां पे रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। ये लॉजिक से, हाँ मैं लिस्ट ऑफ सर्विसेज अभी आपको नहीं पढ़ा रहा,
लिस्ट ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे हम जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, पर मैंने जस्ट एक लॉजिक बताया कि क्यों रिवर्स चार्ज आया। ओके चलिए सरकार, अच्छा सर्विस टैक्स जब था ना बेटा तब भी रिवर्स चार्ज था, सेम प्रोविजन थे, लगभग सेम प्रोविजन थे, लॉजिक तो यही थे बेटा। ओके सर, ये था सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 जहां पे रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। ओके सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन परचेज करता है फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस परचेज करता है, तो ऐसे केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो परचेजर है, जो रेसिपिएंट है, जिसने वो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स परचेज करी किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में वो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और सर रेसिपिएंट लायबल होगा इस केस में, रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। और एट प्रेजेंट केवल एक ही पर्सन नोटिफाई किया है, प्रमोटर, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बिल्डर, वो भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। पर हाँ, जैसे बिल्डर ने सीमेंट परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किया, किससे? किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ये नोटिफाइड गुड्स है बेटा। अगर परचेज किया उसने सर इन गुड्स को, सीमेंट को, कैपिटल गुड्स को, कुछ अदर गुड्स भी लिखी हुई है, उनको परचेज किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में बिल्डर जो प्रमोटर है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है जीएसटी में। तो क्लियर, डन, ये था आपका सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4। अगेन डिटेल में बात करेंगे हम कब, चैप्टर नंबर 7 में। देन सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, सेक्शन 93 एंड 94 आर फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन नंबर 95 दिल थाम के सुनिएगा साहब, सेक्शन नंबर 95 क्या कहता है भाई, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, दिल थाम के सुनिएगा, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, किसको भाई, सर्विसेज को, यहां गुड्स नहीं है, 9394 में गुड्स और सर्विस दोनों था, यहां पे ओनली सर्विसेज, वो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल सकता है कि अगर आपने ये सर्विसेज किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सर्विसेज सप्लाई करी, नोटिफाइड सर्विसेज, तो ऐसे केस में दिस ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ सच ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, एज इफ सच ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, एंड ऐसे केस में ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन ईसीओ, क्योंकि यह माना जाएगा कि ईसीओ ही क्या है, सप्लायर है, ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और मैं आपको बता देता हूं, वैसे हम डिटेल में इस पॉइंट को पढ़ेंगे बाद में, पर यस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि एट प्रेजेंट केवल 3 सर्विसेज नोटिफाइड है, कितनी, 3 सर्विसेज, सर्विसेज नोटिफाइड एट प्रेजेंट, और 3 सर्विसेज के लिए बोल दिया है क्या, ये 3 सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर दी, तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और ईसीओ लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, सारे प्रोविजंस उस पे अप्लाई होंगे सर। और वो 3 सर्विसेज कौन सी, वैसे डिटेल में पढ़ेंगे हम चैप्टर 7 में, पर हां सर फॉर एग्जांपल ओला उबर एटसेट्रा, सर ये फर्स्ट सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मैक्सी के मोटर के मोटरसाइकिल, सेकंड होटल अकोमोडेशन सर्विसेज अगर सप्लायर ऑफ सर्विस मतलब होटल इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी और नॉट लायबल टू रजिस्टर इन जीएसटी, एंड थर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज इफ सर्विस सप्लायर इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये 3 सर्विसेज एट प्रेजेंट नोटिफाइड है, फर्स्ट हो गया ओला उबर एटसेट्रा, सेकंड हो गया मान लो makemytrip.com या goibibo अगर होटल वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो, एंड थर्ड urbanclub.com अगर हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला जैसे प्लम्बर कारपेंटर एटसेट्रा वो जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में ये केवल 3 सर्विसेज ही नोटिफाइड है, वो 3 सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर दी, तो ऐसे केस में ईसीओ विल बी लायबल टू पे टैक्स, क्योंकि वो ही माना जाएगा कि वो ही सप्लायर है,
क्लियर? अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, मैं वापस थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं तो आपको समझ में आएगा सिस्टम क्या है इसका। सुनिएगा ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टैक्सी ड्राइवर, आई एम अ टैक्सी ड्राइवर, आप ओला कंपनी के मालिक है सर, और सर कोई एक्सपायर्ड पैसेंजर है, अब सर उसको अंधेरी से चर्च गेट जाना है। उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करी एंड सर नियरेस्ट टैक्सी मेरी थी, मैं टैक्सी लेके पहुंच गया। उन्होंने ओला ऐप से बुक कर लिया मोबाइल कैब, और सर वो कैब लेके मैं पहुंच गया उनके पास, रेडियो टैक्सी जिसको हम बोलते हैं। सरकार मैंने उनको पिक किया और ड्रॉप किया कहां पर, उनके डेस्टिनेशन पे जो था चर्च गेट, एंड सर वहां ड्रॉप किया, मान लो फेयर था ₹700, कितना भाई ₹700 विदाउट जीएसटी। अब सर सुनेगा, वैसे देखा जाए तो एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ये टैक्सी ड्राइवर है, क्लियर? ईसीओ कौन, ओला जो आप, एंड पैसेंजर कौन, एक्सवाईजेड जो पैसेंजर था जिसने टैक्सी बुक करी, क्लियर? अब सर सुनिएगा ध्यान से, सर्विस सप्लायर एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर है। अब आप मुझे बताओ, ये टैक्सी ड्राइवर की शक्ल देख के बताओ, आपको लगता है ये टैक्स पे कर पाएगा? दिस इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर सर, यहां पे गवर्नमेंट लगा ये टैक्सी ड्राइवर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। पैसेंजर तो एंड कंज्यूमर होता है नॉर्मली, और सर पैसेंजर से भी टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर, उससे कैसे टैक्स लेंगे हम डायरेक्टली, हाँ है ना? तो सर सरकार को लगा यार ये ईसीओ, ये ओला, ये उबर, ये तो बड़े लोग हैं ना यार, इनको बोल दो भाई तुम्हारे थ्रू जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस दी है किसी ड्राइवर ने, किसी सर्विस सप्लायर ने, तो ऐसे केस में ओला यू विल बी ट्रीटेड, बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। मतलब पूरे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आप पे ही अप्लाई होंगे, एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। सुनिएगा, वैसे एक्चुअली सप्लायर कौन है, टैक्सी ड्राइवर, पर फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी मान लिया सप्लायर कौन है, ईसीओ, सारे प्रोविजन उसी पे अप्लाई होंगे, एंड सर सारे कंप्लायंस उसको करने पड़ेंगे। ध्यान देना, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं बोलते, दिस इज नॉट कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, समझे मेरी बात को, क्योंकि यहां पे रेसिपिएंट लायबल नहीं है, यहां पे लायबल कौन है, सप्लायर ही है, बस सप्लायर का नाम टैक्सी ड्राइवर को हटा के ओला उबर कर दिया सरकार, यहां पर रेसिपिएंट लायबल नहीं है, सप्लायर लायबल, और जहां पे भी सप्लायर लायबल होता है उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं बोलते। हाँ, सेक्शन 93, सेक्शन 94, यहां जब हमने पढ़े थे वहां लिखा था रेसिपिएंट लायबल होगा, और रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज इफ इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, और यहां पर सेक्शन 95 में लिखा है क्या, ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ इज द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। सर 93 और 94 में केवल एक काम रेसिपिएंट को दिया कि ही विल बी ट्रीटेड एज इफ इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, यहां पर 95 में लिख दिया कि ईसीओ सारे ही काम आपको करने पड़ेंगे, यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर द सप्लायर, शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई, क्लियर? इसलिए 95 को रिवर्स चार्ज नहीं बोलते, फॉरवर्ड चार्ज ही बोलते। तीन सर्विसेज नोटिफाइड है भाई, सर आप प्लीज उसमें फ्लिपकार्ट अमेजोन मत लिंक कर देना, क्योंकि वो गुड सप्लायर है, और सर्विसेज भी अगर देते तो ये तीन सर्विस अगर देंगे तो लगेगा भाई, क्लियर? सारी सर्विसेज में 95 नहीं है, ये केवल तीन सर्विसेज एट प्रेजेंट जो नोटिफाइड है। हाँ, इसके बाद जो नोटिफाई होगी वो बात की बात है सर, अभी जो हमारे लिए एप्लीकेबल है हम वो बात कर रहे हैं। ओके, तो सर सर्विसेज सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में वापस रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट के पास पावर है, एक पॉइंट और एड कर दूंगा इसमें, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हैं, और सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल देंगे कि अगर ये सर्विसेज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और हाँ टैक्स उसी को पे करना पड़ेगा, उसी को पे करना पड़ेगा, और हाँ उसी को पे करना पड़ेगा। मतलब तीन पॉइंट यहां पे, यहां पे लिख दिया, अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो वही टैक्स पे करेगा, अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है बट इफ ही इज हैविंग एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन इंडिया तो वो लायबल होगा साहब जीएसटी के प्रोविजंस के लिए, और अगर उस ईसीओ का न तो फिजिकल प्रेजेंस है नहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है तो सर ऐसे केस में ही विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, पर पे तो उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि इस टैक्सी ड्राइवर की शक्ल देख लो इसे ना हो पाएगा, हाँ है ना? जस्ट किडिंग, पॉइंट ये कहने का मतलब ये भाई कि सर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि टैक्स तो ईसीओ ही पे करेगा, भले उसकी प्रेजेंस इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल हैव टू पे द टैक्स।
क्लियर, समझे मेरी बात। ये सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 खत्म होता है अब, और इसी के साथ पूरा सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है अब। आई होप पूरा सेक्शन नंबर 9 आपको समझ में आया सर, क्लियर। और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया रिवर्स चार्ज का और फॉरवर्ड चार्ज का, कि 95 को क्यों रिवर्स चार्ज नहीं कहा जाता है। आई होप पूरा पॉइंट समझ में आया आपको। ओके सरकार सुनिए ध्यान से, सेक्शन नंबर 9 जो हमने पढ़ा है, सेक्शन 91 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 92 पेट्रोलियम गुड्स लिए बोल दिया इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, 93 94 रिवर्स चार्ज, 95 ये ओला उबर वाला बेटा, ओके ईसीओ वाला पॉइंट, ठीक है सर। जो हमने सेक्शन नंबर 9 पढ़ा चार्जिंग सेक्शन, सेम एब्सोल्युटली सेम सेक्शन है सेक्शन नंबर 5 अंडर आईजीएसटी एक्ट। अच्छा एक बात और, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 ने एक बात और कही, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 ने बोला कि सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एट द रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन 20%। मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%, है ना। तो सर 20% कैन बी सीजीएसटी, 20% कैन बी एसजीएसटी, सो मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कैन बी 40%, है ना। वो बात अलग है, अभी मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी हुई है वो कम है, 40% तक नहीं है, क्लियर। ओके 28% इज द हाईएस्ट रेट, ओके सर। फिर भी सर अब आईजीएसटी एक्ट की बात करता हूं आपसे, सेक्शन नंबर 5 दे रखा है, मैं बता देता हूं सारे ही प्रोविजन एब्सोल्युटली सेम है। सेक्शन 51, 52, 53, 54, 55 जहां जहां इंटरस्टेट था वहां इंटरस्टेट लिखा है, और सर जहां पे सीजीएसटी था वहां पे आईजीएसटी सर, ऑब्वियसली क्योंकि टैक्स का मतलब सीजीएसटी एक्ट में सीजीएसटी होगा एंड सर आईजीएसटी एक्ट में आईजीएसटी होगा टैक्स का मतलब। फिर भी मैं बोल देता हूं सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 बोलता है आईजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन 40% आईजीएसटी ऑफ व्हाट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ, जो सेक्शन नंबर 15 डिफाइन करेगा सीजीएसटी एक्ट का, एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो भी दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जब कस्टम लगता है तो जब आप कस्टम कलेक्ट करते हो एट द सेम टाइम आईजीएसटी भी लगेगा और आईजीएसटी भी पे करना पड़ेगा, इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम के साथ साथ आईजीएसटी भी लेवी होता है। यहां पे पावर दिया है गवर्नमेंट को कलेक्ट करने का, क्लियर। इसलिए ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अलोंग विद द कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी इज ऑल्सो लेवीड। क्यों लेवी होता है, कैसे लेवी होता है, हम बात करेंगे कस्टम पड़ते वक्त। ओके सरकार सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 2 वही 5 गुड्स पर जीएसटी लेवी नहीं होता है, पेट्रोलियम गुड्स सरकार, फिर 53 रिवर्सर्स वाला बेटा, 54 रिवर्सर्स बिल्डर वाला बेटा, 55 ओला उबर वाला ईसीओ वाला बेटा, क्लियर एब्सोल्युटली सेम, क्लियर इंटरेस्टेड सप्लाई के लिए। ओके तो ये था क्या सीजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन एंड आईजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन। ओके सर अभी आपने एक चीज नोट करी हो, सीजीएसटी लेवी होता है इंटरेस्टेड सप्लाई पर, आईजीएसटी लेवी होता है इंटर स्टेट सप्लाई पर। तो कुल मिला के सीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो या मैं कह रहा हूं एसजीएसटी हो या यूटीजीएसटी भी हो, वहां पर भी सेम इंटरेस्टेड सप्लाई पे लगता है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, ये लेवी कब होता है सर, सप्लाई पर। इंटरेस्टेड हुआ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर हुआ तो आईजीएसटी। अच्छा अगर आप यूनियन टेरिटरी में तो एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी रेफर करिएगा। ओके सरकार अल्टीमेटली टैक्स लगता कब है, सप्लाई पे। लेवी कब हो रहा है, सप्लाई पे, और जिस इवेंट पर टैक्स लगता है, टैक्स लेवी होता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो सर टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो या जीएसटी कंपनसेशन सेस हो, लेवी कब होता है सर, सप्लाई पे। और ऐसा इवेंट जिसके होने पे पर्टिकुलर टैक्स लगता है इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। ये मत बताना मैंने बताया, ये सर किसने बताया, चार्जिंग सेक्शन ने बताया, चार्जिंग सेक्शन ने लिखा है सेक्शन 91 ने और 51 ने कि सप्लाई इंटरस्टेट या इंटरस्टेट होने पर लेवी होगा जीएसटी, क्लियर। तो सर जीएसटी का चार्जिंग, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अंडर जीएसटी, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अंडर जीएसटी इज सप्लाई, एंड द टर्म सप्लाई इज वेरी वेल डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7। ध्यान देना बेटा, सप्लाई का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी की बात आएगी, अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएगा ही नहीं, देर इज नो पॉइंट ऑफ चार्जिंग एनी जीएसटी। तो सर क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई।
देखो बच्चों, जीएसटी के अंदर केवल एक्साइज मर्ज नहीं हुआ, केवल वेट मर्ज नहीं हुआ, सर्विस टैक्स भी मर्ज हुआ, कई सारे टैक्सेस मर्ज हुए, तो उन सबको सप्लाई के स्कोप में मर्ज किया है, सो दैट जीएसटी इन सब पे लेवी हो पाए। हाँ है ना, और बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट ने सप्लाई का डेफिनेशन लिखा है, दिल थाम के सुनेगा, आ रहा है आपके सामने अब क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ द एंटायर जीएसटी, द टर्म सप्लाई। चलिए सर, सप्लाई की बात करते हैं हम, द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर सेवन इन टर्म सप्लाई को डिफाइन किया, उसमें सबसेक्शन वन की हम बात कर रहे हैं अभी। सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन बोलता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सप्लाई इंक्लूड्स क्या, सही सुना है, सप्लाई मींस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सप्लाई इंक्लूड्स। हो अभी धीरे धीरे समझ में ही बात आपको, रुकिए, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, पहले क्लोज डी था उसको डिलीट करके और फिर सबसेक्शन वन ए बना दिया, यहां पे सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन ए आएगा, क्लियर, फिर सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन टू आएगा, उसमें भी क्लोज ए आएगा, क्लोज बी आएगा, देन सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन थ्री आएगा, उसमें क्लोज ए एंड क्लोज बी, और उसके बाद जाके यहां फुल स्टॉप होगा साहब, क्लियर। ये सप्लाई के स्कोप का मैंने एक जस्ट बताया कि सेक्शन किस तरह से लिखे, पर हाँ अब शुरू करता हूं क्या, डेफिनेशन ऑफ द टर्म सप्लाई, द टर्म सप्लाई इंक्लूड सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही से डिफाइन हो रहा है सप्लाई का स्कोप। सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन कहता है सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, शुक्र है, अच्छा ये समझ में आया, इंक्लूड्स लिखा है, मींस नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर सप्लाई मींस ए बी सी लिखा होता तो तुम ही हो, सप्लाई इंक्लूड्स ए बी सी मतलब तुम भी हो। जिंदगी मूलत ना हम जिससे प्यार करते हैं, आपने कभी बोला है, आप जिसे प्यार करते हो उसको कभी ये मत बोलना, माय लाइफ इंक्लूड्स यू, होना चपाक, समझे, मेरी लाइफ में तुम भी हो। सर माय लाइफ मींस यू मतलब तुम ही हो, समझे, सेम इज द डिफरेंस हियर, लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट, दे यूज ईच एंड एवरी वर्ड वेरी स्मार्टली, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग ऑल दिस पॉइंट्स। सप्लाई मींस एबीसी नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सर नया एक्ट ड्राफ्ट हो रहा है, और जब भी कोई नया एक्ट आता है अगर गलती से भी कोई चार्जेबिलिटी से भी ट्रांजेक्शन बाहर निकल गया तो जीएसटी लेवी नहीं होगा, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ कलेक्शन, इसलिए जानबूझ के उन्होंने इंक्लूड्स लिखा, सो दैट अगर, वैसे तो इन्होंने क्लोज नंबर ए बी सी में कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ आ गया, पर फिर भी इंक्लूड्स इसलिए लिखा, दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, कुछ अगर इसके आसपास कुछ रह भी गया तो भी वो इंक्लूडेड है माना जाएगा सर, समझे, ये आर्ग्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का। तो सरकार शुरू करते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए बी और सी, ओके, तो सर सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन क्लोज ए क्या कहता है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल, मतलब सब कुछ, और वो भी लिखा है क्या, इंक्लूड्स सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, वो भी सच एज मतलब सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल, सब कुछ आ गया, सर्विसेज भी आ गई, गुड्स भी आ गया इसके अंदर, फिर भी लिखा है सच इज, सारे ट्रांजेक्शन आ गए फिर भी कुछ रह जाए तो वो भी आएगा। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल, जैसे मैंने कोई ये पेन आपको बेच दिया 10,000 रुपए, क्लियर, सेल, एक्सचेंज, सर पुराना लैपटॉप लेके आए और नया लैपटॉप अगर आप परचेज कर रहे हो तो नया लैपटॉप का प्राइस है 50,000, पुराना लैपटॉप अगर आपने दिया एक्सचेंज में तो सर हम उसका प्राइस रखेंगे 35,000 ओनली, तो एक्सचेंज में लिया ना आपने बेटा, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, दोनों बर्बाद बेटा। मतलब सर बार्टर किया हमने, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर, सेल,
एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, सर मैंने कुछ गुड्स अपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रांसफर कर दी, सर मैंने अपने असेट्स आपको ट्रांसफर कर दिए, सर ये भी सप्लाई के स्कोप में आता है। सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, रेंटिंग, मैंने कोई गुड्स या कोई मशीन आपको रेंट पे दी, सर लीज, लाइसेंस, मैंने सर अपना जो सॉफ्टवेयर था उसका लाइसेंस की आपको यूज करने के लिए दिया, या मैंने सॉफ्टवेयर बनाया आपको लाइसेंस दिया उसको यूज करने का, समझे मेरी बात। सर डिस्पोजल, मैंने अपने बिजनेस के एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए, ये सब सप्लाई के स्कोप में आता है। एंड सर सप्लाई ने वापस क्या बोल दिया, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सर गुड्स हो या सर्विसेज हो सब कुछ सप्लाई के स्कोप में आएगा। व्हेन व्हेन सच सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड, व्हेन सच सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड, ध्यान देना बेटा, सप्लाई कर दिया वो तो सप्लाई के स्कोप में ही है, सप्लाई करने के लिए अगर आपने एग्री कर लिया वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा सर, अग्रीड टू बी मेड। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज के केस में अगर आपने मुझे एडवांस दिया, सर आपने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया, मैं सर्विसेज आपको दो महीने बाद देने वाला हूं, तो भी वो सर सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा क्योंकि आई अग्रीड टू सप्लाई, सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड। सर गुड्स में भी क्या हुआ, आपने मुझे एडवांस दिया, मैंने एग्री कर लिया आपको सप्लाई करने के लिए, वो सप्लाई के स्कोप में आ गया, हाँ वो बात अलग है। गुड्स के केस में टाइम और सप्लाई में हम पढ़ेंगे कि एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती, वो बात अलग है, पर सर सप्लाई के स्कोप में यहां से आया क्योंकि यहां लिखा है क्या, सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन, और हाँ द टर्म पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, सर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, सर सारे ही लोग कवर कर दिए इसने, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है सर, समझे। ओके सर, सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब कंसीडरेशन के लिए अगर आपने सप्लाई किया तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, नहीं तो सप्लाई के स्कोप में क्लोज नंबर ए में तो नहीं आएगा। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन, मैं आपसे वापस इस पर डिस्कशन करूंगा, एक मिनट रुकिए। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन प्लस क्या लिखा है, इट शुड बी इन द कोर्स और furtherance of business, supply should be for a consideration plus it should be in the course or furtherance of his business, मैं समझाता हूं दोनों बातों को। ओके सर, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन के लिए काम किया है, योर इंटेंशन मस्ट बी टू अर्न द कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। फ्री सप्लाईज आर नॉट कवर्ड इन द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई इज पर क्लोज नंबर ए। हम क्लोज नंबर सी की बात करेंगे जहां पे चार ट्रांजेक्शन शेड्यूल वन में लिखे हैं, वो चार ट्रांजेक्शन अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई के स्कोप में आते हैं, वो क्लोज नंबर सी की वजह से आते हैं। क्लोज नंबर ए बोलता है कंसिडरेशन के लिए है, तो ही सप्लाई होगा। अच्छा ध्यान देना बेटा, वापस मैं बोलता हूं, मैं क्यों फोकस करूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए। सर सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, योर इंटेंशन मस्ट बी टू अर्न द कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यो, ये कंसिडरेशन के लिए मैंने काम किया तो सप्लाई होगा। सर ध्यान देना, आपको किसने गिफ्ट दिया है, आपने मंदिर में डोनेशन दिया है, वो कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि भगवान ने जहां पे आपने डोनेशन दिया भगवान ने उस फीस के लिए काम नहीं किया है। आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। सर सुनिएगा ध्यान से, हमने आपसे फीस ली है पढ़ाने के लिए, यस इट्स अप्लाई, क्यों, इट इज फॉर अ कंसिडरेशन। हमने फ्री में रिविजन लेक्चर यूट्यूब डाल दी है, दैट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, नॉट अ सप्लाई एट ऑल। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। और बताता हूं मैं आपको सर, सर मान लो हम आपसे बोल दे अगर आप हमको 2,00,000 रुपए दोगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, तो क्या है, फीस है, कंसिडरेशन। अच्छा हम लिख दे, अगर आप हमको 2,00,000 रुपए डोनेशन दोगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, केवल नाम डोनेशन से कुछ नहीं होता, इट इज अ कंसिडरेशन, समझे मेरी बात। सर हम ये तो लिख सकते, रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर XYZ, क्लियर, विथ थैंक्स, क्यों,
फॉर टीचिंग इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं सर, इट विल बी कंसिडरेशन, डोनेशन नहीं है ये, क्लियर। तो सर केवल नाम लिखने से कुछ नहीं होता है, पर हाँ एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक सर्कुलर भी आया हुआ डिपार्टमेंट का इसके लिए, सर फॉर एग्जाम्पल किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या किसी एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने कोई 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया, मान लो एग्जाम्पल 10 लाख रुपए, इफ रुपीज 10 लाख हैज बीन गिवन एज डोनेशन टू एनी इंस्टीट्यूशन, और उन्होंने जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, टू से यू थैंक यू, उन्होंने किसी वॉल पर या कहीं पे भी आपका नाम लिख दिया कि साहब हम बहुत बहुत आभारी है आपके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विद थैंक्स रिसीव्ड, विद थैंक्स क्लियर अ सम ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स वाई जेड पर्सन, तो क्या वो मार्केटिंग सर्विस है? क्या वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपके नाम का मार्केटिंग कर रहा है क्या, और वो उस मार्केटिंग के लिए आपने 10 लाख रुपए दिए थे क्या? आंसर इज नो, इट्स नॉट सप्लाई एट ऑल, इट्स नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल। पर हाँ अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जहां पे बहुत सारी गैदरिंग आने वाली है, आपने उनको कहा या उन्होंने आपको अप्रोच किया और सर वहां पे आपके बिजनेस का कोई साइनबोर्ड आपने हैंग करवाया, सर वो पब्लिक दिखेगी, मार्केटिंग होगा, और उसके लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आपसे 10 लाख रुपए लिए, बोला कि ये साइनबोर्ड अगर लगवाना है 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ऐसे केस में यस ये सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट सर्विस हो गया, और यहाँ पे दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या जो भी इंस्टीट्यूशन है दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 10 लाख, हाँ है ना, मेयरली टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, उन्होंने किसी वॉल पे या कहीं आपका नाम लिख दिया, इट डज नॉट मीन कि वो मार्केटिंग सर्विस दे रहे बेटा, क्लियर। तो ऐसे आपको केस टू केस बेसिस पे डिफाइन करना पड़ेगा कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं है, और उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फॉर अ कंसिडरेशन। ओके, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, इसका मीनिंग क्या है? इट शुड बी फॉर अ फॉर इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या है? सर छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मेरे घर की कोई कार है जो मेरा पर्सनल असेट है, मेरे बिजनेस का असेट नहीं है, सर वो कार को मैंने बेच दिया 5 लाख रुपए में बेच दिया, मान लो। You tell me if I have sold old jewelry of my family or any of the car of my family which is not our business asset, you tell me, मैंने सेल किया है, I am a person for a consideration, but is it in the course or furtherance of business? No. So it's not supply at all, कोई GST नहीं लगेगा। यही अगर मैंने अपने business की car होती या business का कोई asset होता उसको अगर बेचा होता या बिजनेस की कोई गुड्स होती जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैन्युफैक्चर करता हूं, वो बेचा होता, मेरा कोचिंग पढ़ा नहीं सर्विस, सर वो बेचा होता, यस इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज इट इज फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, बिजनेस के स्कोप में सर ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन, इंडस्ट्री सब कुछ आता है, भले ही वहां पे वॉल्यूम हो या नहीं हो, भले क्वांटम हो या नहीं हो। सर एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने ये एग्जांपल बुक में भी दे रखा आपको, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पेंटिंग बना रहा है, सुनना ध्यान से, वो बाय प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग सी है, पर उसको कभी कभी महीने दो महीने में एक आध पेंटिंग बनाता, मजा आता है उसको सर, आउट ऑफ हिज हॉबी, और पेंटिंग बना के बेच दिया उसने 2 लाख रुपए में, इज इट सप्लाई? आंसर इज यस, भले ही वॉल्यूम हो या नहीं हो, भले ही क्वांटम हो या नहीं हो, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्लियर। पर हाँ एट द सेम टाइम अगर आपने अपने घर की पुरानी पेंटिंग बेच दी 2 लाख में, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि आप बना के नहीं बेच रहे हो, इट इज नॉट योर बिजनेस, वहां पे वो बना के बेच रहा था, इसलिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में, सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा, क्लियर। तो सर आई होप बात समझ में आ रही है आपको मेरी, हाँ है ना बच्चों। तो सर सप्लाई 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 सर सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए पूरा होता है अब हमारा, सर सुनिएगा बात को ध्यान से, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ, कंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये सप्लाई के स्कोप में आएगा। और हां बच्चों यहां पर क्लोज नंबर ए के बाद में क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो सरकार अभी क्या हो गया है वो देखना ध्यान से, क्लोज नंबर ए के बाद आ गया है क्या? डबल ए, फिर क्लोज नंबर बी एंड देन क्लोज नंबर सी। अब क्लोज नंबर डबल ए क्या इंसर्ट हुआ? एक्चुअली इस पॉइंट पर लॉ के अंदर डिस्प्यूट थे, झगड़े थे, बहुत सारे कोर्ट्स ने, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स ने अलग अलग जजमेंट दिए थे, डिस्प्यूट हो रहा था मार्केट में, इसलिए गवर्नमेंट ने सर इस पॉइंट को सप्लाई की डेफिनेशन में डाल दिया है। ओके, देखा ध्यान से पॉइंट क्या आखिर, सर सप्लाई, द टर्म सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट विल कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी एओपी और
बीओआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ने अगर अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दी है या मेंबर्स ने एओपी बीओआई को कोई सर्विस दी है तो ऐसे केस में दोनों को सेपरेट पर्सन मानेंगे और दोनों को सर सेपरेट पर्सन मानते हुए इन्होंने अगर आपस में कोई सप्लाई किया है तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम सबने मिलकर एक क्लब बना दिया, फ्रेंड्स क्लब, सर रोटरी क्लब, सर कोई भी क्लब बना दिया हमने, एंड हमने क्या किया हर महीने उस क्लब ने अपने मेंबर से 1000 रुपी मेंबरशिप फी लिया। क्यों सर? हम हर महीने एक मीटिंग करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, पार्टी करेंगे, मजा करेंगे, माहौल बनाएंगे, एंड सर उसमें जो एक्सपेंस होंगे वो भी तो हम सभी बियर करेंगे। तो क्या किया क्लब ने, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करी और क्लब के मेंबर से ही कॉन्ट्रीब्यूशन लिया। तो एक तरह से क्लब इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हम मेंबर्स, उसके उसने मेंबरशिप फी लिया, तो सर दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर लगेगा जीएसटी। सेम वे अगर एओपी बीओआई ने या कोई ज्वाइंट वेंचर ने अपने मेंबर को कोई गुड सप्लाई किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, मेंबर ने कोई गुड सप्लाई किया एओपी बीओआई को वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, मेंबर ने कोई सर्विसेज दी जैसे फॉर एग्जांपल सर हमने क्लब तो बना दिया, हम सब ने मिलके 2000 लोगों ने मिलके एक क्लब बना दिया फ्रेंड्स क्लब। अब ये फ्रेंड्स क्लब जो होगा साहब क्या करेगा मालिक, ये सर हर महीने पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा, हर महीने सर हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, अपडेशन वगैरह के लिए मीटिंग अपडेट करेंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। अब उसके लिए सर ये सब काम मैनेज कौन करेगा? तो एक किसी मेंबर ने बोला ये सब काम मैं कर दूंगा पर उसके लिए मेरे को मंथली 10,000 रुपी फीस चाहिए साहब, अकाउंटिंग सब कर लेगा सर वो। तो मेंबर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब, सो दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। इफ क्लब इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंबर्स बाय वे ऑफ चार्जिंग मेंबरशिप फी एक्सेट्रा इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कुल मिला के सर कोई नया पॉइंट एड नहीं हुआ है सर, वैसे ही ये पॉइंट सेम पॉइंट शेड्यूल टू हम पढ़ने वाले यहां पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A में शेड्यूल टू पढ़ने वाले, उसमें भी सर पैरा नंबर 7 में पॉइंट लिखा था, पर एक्चुअली सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A ये बोलता है कि जो ऑलरेडी टर्म सप्लाई है और उसमें अगर डिस्प्यूट है कि ये सप्लाई गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए सब सेक्शन 1A आया था, शेड्यूल 2 आया था, पर सर वो ट्रांजेक्शन एक बार सप्लाई तो होना चाहिए पहले बेटा। तो सर बहुत सारे लोगों ने क्या बोला, क्लब ने अगर मेंबर को सर्विस दी है, अगर वो क्लब इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, अन इनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई है, तो सर लोग क्या बोलते थे भाई इनका हमने इनकॉर्पोरेशन तो कराया नहीं है, अगर क्लब का हमने इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया मतलब क्लब कौन है, हम लोग ही तो है और हम ही हमको सर्विस दे रहे, तो ये सेल्फ सर्विस है, इस पर क्यों नहीं लगाया, क्यों लगा रहे हो आप जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए। इसलिए झगड़ा खत्म करने के लिए बोला भाई दिमाग खराब मत करना, अन इनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स डिस्टिंक्ट पर्सन डिफरेंट पर्सन कहलाएंगे, सेपरेट पर्सन कहलाएंगे और उन्होंने आपस में अगर सप्लाई किया एक दूसरे को तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसलिए सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स में ही स्पेसिफिकली क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट कर दिया। और यहां पर सर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक अब बुक देखेंगे आपको मिलेगा एक एक्सप्लेनेशन भी एड किया है और एक्सप्लेनेशन लिख के बोल दिया क्या, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ एनी अदर एक्ट, कोई भी जजमेंट आ गया कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, दिस प्रोविजन विल ओवरराइड। और उसमें लिख दिया क्या कि सर अन इनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स डिफरेंट पर्सन कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन डिफरेंट पर्सन कहलाएंगे, सेपरेट पर्सन कहलाएंगे और उन्होंने अगर आपस में सप्लाई किया है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, दिमाग खराब मत करना, वो सेल्फ सर्विस नहीं है सर, सेल्फ सप्लाई नहीं है, क्लियर डन। ये साफ साफ लिख दिया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, क्लियर डन। तो अन इनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स ने आपस में सर जैसे मेंबर्स ने क्लब को सर्विस दी या क्लब ने मेंबर को सर्विस दी, मेंबरशिप फी लिया, सर ऑल दोस ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएंगे, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है, ये पॉइंट सर्विस टैक्स के टाइम पे भी यही था, अभी भी यही है, पर झगड़े खत्म करने के लिए एक्ट में ही लिख डाला, क्लियर डन। चलो एक इसके रिलेटेड एक सर्कुलर भी था, वो भी तो मैं बताता हूं बेटा, सर्कुलर नो डाउट सर्विस टैक्स के टाइम पे भी इशू हुआ था, जीएसटी में ये अमेंडमेंट होने से पहले भी हुआ था और वो अभी भी है सर। अच्छा सर्कुलर इज मेयर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट, लॉ में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये एक तरह से क्लेरिफिकेटरी नेचर का अमेंडमेंट है सर। सर सर्कुलर क्या है बताता हूं मैं तुम्हें, मान लो हम सब ने मिलकर एक क्लब बना दिया, 2000 लोगों ने मिलकर एक क्लब बना दिया या एक ज्वाइंट वेंचर बना दिया सर। अब साहब क्लब ने मेंबर को सर्विस दी, उसके लिए मेंबरशिप फी लिया, जैसे होता ना सर हाउसिंग सोसाइटी, गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी, एक में सेक्रेटरी, सर मेंबरशिप फी लिया कितना 10,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर, यस वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, उस पर जीएसटी लगेगा, क्लियर सर। अब जो कॉन्ट्रीब्यूशन क्लब या ज्वाइंट वेंचर अपने मेंबर से लेता है उसको बोलते हैं कैश कॉल, क्या बोलते सर कैश कॉल। अब वो कैश कॉल अगर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के नेचर में, सर ध्यान देना बेटा क्या है साहब, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के नेचर में है। अब कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक और चीज बताता हूं मैं,
कैश को लगकर रेवेन्यू नेचर की नेचर में बेटा, मतलब रेवेन्यू मतलब नॉर्मल रूटीन खर्चे नॉर्मल फीस है वो, तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पर अगर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इफ कैश कुल इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल हमने सोचा सर हर महीने हम 10-10 हजार रुपए दे रहे, हमारा खर्चा निकल रहा है, हमारा काम हो रहा है, पार्टी शार्टी बना रहे, पर अब एक कुछ बड़ा प्लान करते हैं हम सब ने, 2000 मेंबर ने सोचा एक काम करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 1-1 करोड़ रुपए हम क्लब को देंगे, 2000 करोड़ का जो फंड कलेक्ट होगा सर, इससे हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, माहौल बनाएंगे सर। तो सर ऐसे केस में वो जो 2000 करोड़ रुपए हमने कलेक्ट किए, हर मेंबर से जो 1000 रुपए कलेक्ट किया, वो मेंबरशिप ही नहीं है, दैट इज अ प्योर ट्रांजेक्शन मनी, एंड मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, ना गुड्स ना सर्विस है, इसलिए वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ कैश कॉल अगर रेवेन्यू नेचर का है तो उस पर जीएसटी लगेगा साहब, क्लियर डन। अच्छा क्लब ने अगर मेंबर को सर्विस दी है वो सप्लाई तो ही है, मेंबर ने अगर क्लब को सर्विस दी है वो भी सप्लाई है। अच्छा क्लब के किसी एक मेंबर ने क्लब के दूसरे मेंबर को सर्विस दी है, लायंस क्लब है साहब, मेंबर्स ने आपस में सर्विसेज दी, हमें क्या करना साहब, सप्लाई है ना यार, क्लियर, कभी सेल्फ सर्विस थोड़े वो, क्लियर। इसलिए वो सर गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर भी दे दिया, एंड सर सेक्शन नंबर 7AA भी, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 में क्लोज नंबर 7AA भी स्पेसिफिकली इंसर्ट कर दिया कि दिमाग खराब मत करना, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एनी ऑफ द ऑर्डर एनी डिसीजन एनी जजमेंट एनी ऑफ द एक्ट वी डोंट केयर, ये सप्लाई है, दिमाग खराब मत करना, ये क्लोज नंबर 7AA खत्म होता है अब, क्लियर। कंटिन्यू करो क्लोज नंबर बी से, माहौल क्लोज नंबर बी कहता है क्या, कोई बात नहीं। इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है, आई रिपीट सर सर्विसेज क्या करिए, इंपोर्ट करिए फॉर अ कंसीडरेशन, भले ही इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, आई रिपीट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा भाई। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको सर, फॉर एग्जाम्पल सर आउट ऑफ इंडिया के किसी लॉयर से आपने अपने बिजनेस के लिए कोई कंसल्टेंसी ली, लीगल एडवाइस ली, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन दिया आपने, क्लियर सर, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, सप्लाई तो ही है। सेकंड, मान लो आपने netflix.com जो आउट ऑफ इंडिया है उसके कुछ वीडियो सब्सक्राइब किए, तो सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया में है सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ये, हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई उसमें पता पड़ेगा ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्योंकि आप सर्विसेज इंडिया में ले रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, रेसिपिएंट इंडिया का और आउट ऑफ इंडिया का सर्विस सप्लायर है, क्लियर। फॉर अ कंसिडरेशन है, फ्री तो है नहीं सर, तो ऐसे केस में ये सप्लाई के स्कोप में आएगा भले ही इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो नहीं है फिर भी, क्लियर डन। तो सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये सप्लाई के स्कोप में आता है, जीएसटी लगेगा, जीएसटी कौन पे करेगा, कब पे करेगा, कैसे पे करेगा, वो मेरा पॉइंट अभी नहीं है, सप्लाई के स्कोप में आता है भाई, क्लियर। क्लोज मसी कोई बात नहीं, कंसिडरेशन नहीं भी है, क्या बोला सर, कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है और अगर वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में कवर है, इफ एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन इज विच इज कवर्ड इन शेड्यूल 1 और अगर वहां पर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और वहां पे जीएसटी लेवी होगा। एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1, एट प्रेजेंट देर आर 4 ट्रांजेक्शन विच आर कवर्ड इन शेड्यूल 1, इवन इफ दोज 4 ट्रांजेक्शन आर विदाउट कंसिडरेशन देन ऑल्सो दोज आर कवर्ड इन द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई और वहां पे जीएसटी लेवी होगा। अब शेड्यूल 1 में वो 4 ट्रांजेक्शन कौन कौन से उनकी हम बात कर लेते बच्चों, आइए अब बात करें हम शेड्यूल 1, 4 ट्रांजेक्शन। फर्स्ट पेरा बोलता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, आई रिपीट जिन बिजनेस असेट के परचेज पे आपने आईटीसी अवेल किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, उन बिजनेस के असेट्स को अगर आपने परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा भले वो विदाउट कंसिडरेशन हो। एग्जाम्पल मैंने मान लो 20 लैपटॉप परचेज किए अपने ऑफिस के लिए, उनके परचेज पे मैंने जीएसटी पे किया, उसका मैंने आईटीसी अवेल किया, अब उन 20 लैपटॉप को मैंने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर दिए, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन फिर भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा क्योंकि सर उसके परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स पे मैंने आईटीसी अवेल किया हुआ था, ये बिजनेस असेट थे, इनके परचेस पे मैंने आईटीसी अवेल किया, तो सरकार ये सप्लाई के स्कोप में आएगा। हाँ
इन असेट्स के परचेज पे अगर मैं आईटीसी अवेल नहीं करता और विदाउट कंसिडरेशन अगर मैं डोनेट कर देता, परमानेंट ट्रांसफर कर देता, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। क्लियर? पर परचेज पे आईटीसी लिया, सरकार का कहना क्या, परचेज पे आप आईटीसी ले रहे हो, आईटीसी खुद ले रहे हो और डोनेट कर रहे हो किसी और को और वो पर्सन यूज कर रहा है इसको, तो मजे आ गए ना यार। आईटीसी आप लो और यूज कोई और करे, ऐसा थोड़ा चलता है भाई। क्लियर? वरना हर कोई ऐसे करेगा टैक्स प्लानिंग करने के लिए, आईटीसी लेने के लिए। इसलिए सप्लाई के स्कोप में डाल दिया पैरा नंबर वन को। पैरा नंबर टू, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन। आई रिपीट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। मतलब अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को, अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ओके, चलो पहले बात कर लेता हूं मैं डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए बेटा, फिर बाद में मैं रिलेटेड पर्सन की बात करता हूं आपसे। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? सर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी मेरे को डिस्टिंक्ट पर्सन समझाने के लिए। जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर इज 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अब सर उसमें फर्स्ट दो डिजिट जो होते हैं वो होता है स्टेट कोड, होता है क्या स्टेट कोड। फिर नेक्स्ट 10 होता है पैन नंबर, ओके फर्स्ट टू हो गया स्टेट कोड, देन हो गया पैन नंबर, देन 1Z3। वन तो उसका ब्रांच नंबर होता है सर, अगर उसके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है विद इन द सेम स्टेट तो, एंड Z3 आईटी बेस्ड ये नंबर आपको इश्यू होते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड। क्लियर? तो सर फर्स्ट दो हो गए स्टेट डिजिट और उसके बाद पैन नंबर एंड देन 3 digits। ओके सर, अब मान लो मेरा एक ब्रांच, अच्छा ये हो गया 08 इज द राजस्थान का कोड, 27 इज द महाराष्ट्र का कोड, ऐसे आपको हर स्टेट वाइज अलग कोड दे रखे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब सुना बच्चों ध्यान से, मान लो मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र, एक ब्रांच राजस्थान में, एक ब्रांच का है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वाला ब्रांच का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा 27, क्यों, वहां का स्टेट कोड ये है, पेन नंबर सेम पेन नंबर होगा सर, एक ही WPM, हाँ है ना बच्चों, क्योंकि ओनर इज द सेम, देन 1Z23 जो भी आना, मान लो Z3 है सर। ओके अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से, सिंस, चलो ये पूरा लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये पेन नंबर मेरा ही है सर, वेरीफाई मत करना सर। अब सुनना बच्चों ध्यान से, सेम पेन नंबर है, सेम पेन नंबर पे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर, देखो रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है क्योंकि ऊपर 08 है यहाँ पे 27 है, एक भी डिजिट अलग मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर अलग। क्लियर? अब सर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग पर मालिक दोनों का एक ही सर, पेन नंबर एक है, तो ये दोनों पर्सन आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। एनी पर्सन हैविंग टू डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द सेम पेन नंबर इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, वो आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। अच्छा मान लो मेरी महाराष्ट्र में 50 ब्रांच है, तो सर मैं चाहूं तो उन 50 ब्रांच के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर लू, किसी भी एक ऑफिस को, किसी भी एक प्लेस को डिक्लेयर कर दू ये मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, बाकी की प्लेसेस को मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा इन माई रजिस्ट्रेशन एज माई एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। और मैं चाहूं तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकता हूं, कुछ के अलग ले लिए, कुछ के एक ले लिए, मेरी चॉइसेस है। मान लो महाराष्ट्र में एक ब्रांच है मुंबई में, एक ब्रांच है पुणे में, अब पुणे वाली ब्रांच का मैंने सेपरेट नंबर ले रखा है 27 महाराष्ट्र का, AQWPM1444N2Z3 में अज्यूम कर रहा हूं कि आईटी बेस्ड नंबर है, दोनों सेम मिले होंगे आपको। ओके सर अब देखो ना बेटा, ध्यान से देखना आप, यहां चेंज क्या हुआ है, यहां पे 1 था यहां पे 2 आ गया, देखो सर। क्लियर? बाकी पूरा नंबर सेम है सर। क्लियर? इससे पता पड़ जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर इसकी दूसरी ब्रांच है वाली जिसका उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। अच्छा अगर इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेता तो 1 ही चलता एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके सर अब सुनना बच्चों ध्यान से, सिंस इसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग हो गया था इसलिए ये भी क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। क्लियर? अच्छा सेम स्टेट में मेरी चॉइस होती है कि मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन लू अलग अलग ब्रांच का या सेपरेट रजिस्ट्रेशन लू।
पर अगर मेरा कोई ब्रांच दूसरे स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में, तो वहां पे तो मेरे को सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां का रेस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी एक्ट मेरे को अप्लीकेबल होगा। ओके, तो सर ध्यान देना बेटा, अगर दूसरी ब्रांच में मेरा कोई दूसरी स्टेट में मेरा कोई ब्रांच है तो कंपलसरी वहां सेपरेट रजिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा, वहां कोई दूसरा चॉइस नहीं होता है। क्लियर? तो सर वहां तो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा ही कहलाएगा। तो ध्यान देना बेटा, अब मैं अपने प्रोविजन पे आ रहा हूं, आपको शायद ये समझ में आ गया डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। सेम पेन नंबर पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर, भले वो सेम स्टेट में हो अलग स्टेट में हो, अगर अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है तो क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। ओके, कमिंग बैक टू माय मेन पॉइंट सर, शेड्यूल वन पैरा नंबर टू बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज कॉल्ड सप्लाई, और वो सप्लाई के स्कोप में आएगा ऑल दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, ऑल दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि सर आपने मान लो अपना कोई स्टॉक एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भेजा है, और अगर वो ब्रांच डिस्टिंक्ट पर्सन है तो सर सप्लाई के स्कोप में आ गया, मियर स्टॉक ट्रांसफर इज ऑल्सो कवर्ड इन द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई इफ इट इज टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर? तो सर अब ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया और बोल दे इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया है गुड्स का स्टॉक का, तो क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको ध्यान रखना है ये डिस्टिंक्ट पर्सन है ही है, क्योंकि इंटर स्टेट है तो डेफिनेटली दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे। क्लियर? वहां सप्लाई किया तो वो भले वो ब्रांच ट्रांसफर सप्लाई के स्कोप में आएगा ऑल दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड, सेम स्टेट के अंदर अगर आपने दूसरी ब्रांच को कोई स्टॉक ट्रांसफर किया है तो वहां पे वो सप्लाई है कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया कि नहीं लिया। सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि इट इज विदाउट कंसिडरेशन, पर सप्लाई में नहीं आ रहा क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। क्लियर? तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन, सॉरी, तो सेम स्टेट के अंदर अगर है, सेम स्टेट के अंदर है तो क्वेश्चन आपको देगा इन्फॉर्मेशन कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है कि नहीं है, दो अलग अलग नंबर लिए होंगे तो ही सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना अगर इंटर स्टेट है तो वहां तो सोचना ही नहीं, वहां डिस्टिंक्ट पर्सन हो गई होगा। क्लियर? और सर आपने बिजनेस का स्टॉक ट्रांसफर किया है डेफिनेटली सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लियर? ओके सर, सर अब यहां पे एक दो सर्कुलर थे उसके रिगार्डिंग बात करता हूं मैं आपसे कि सप्लाई ऑफ गुड्स सर टू डिस्टिंक्ट पर्सन उसके रिगार्डिंग सर्कुलर दो तीन वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहली बात सर, मान लो कोई एक एयरलाइन कंपनी है, इंडिगो एयरलाइन ले लो, मंगल एयरलाइंस ले लो, सर अब एयरलाइन कंपनी ने क्या किया, उसके पार्ट्स एयरक्राफ्ट के पार्ट्स कंपोनेंट्स या इंजिन्स मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर किए क्योंकि दिल्ली ब्रांच के एयरक्राफ्ट में कुछ इंजिन काम आने थे। तो सर सिंस इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और बिटवीन अ डिस्टिंक्ट पर्सन इंटर स्टेट, मतलब डेफिनेटली सप्लाई के स्कोप में आ गया, ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा। सर ध्यान देना, मुंबई ब्रांच जब बिल लिखेगी दिल्ली ब्रांच को तो उसमें टैक्स अमाउंट लगाएगी, और सर मुंबई ब्रांच जब वो पार्ट्स कंपोनेंट से इंजन परचेज किए होंगे उसके परचेज पर जो जीएसटी पे किया होगा उसका आईटीसी मिल जाएगा मुंबई ब्रांच को, और मुंबई ब्रांच ने जो बिल लिखा होगा उसके बेस पे अगर दिल्ली ब्रांच एलिजिबल आईटीसी के लिए, वो गुड्स अगर एलिजिबल आईटीसी के लिए तो आईटीसी दिल्ली ब्रांच को मिल जाएगा, पर ये सप्लाई के स्कोप में आता है। सर मैंने सिंपल सा बात ये समझाया। सेकंड सर, अब सेकंड सर्कुलर सिंपल सा इसी एग्जांपल को एक्सटेंड करता हूं। अब मैंने सर मुंबई से दिल्ली जब ये एयरक्राफ्ट के इंजन या पार्ट्स कंपोनेंट्स ट्रांसफर किए होंगे, कैसे किए होंगे, ऐसे फेंके होंगे और पहुंच गए दिल्ली, ऐसा उड़ता पंजाब, अरे भाई सर डेफिनेटली किसी ट्रक में रखे भेजे होंगे या किसी एयरक्राफ्ट में भेजे होंगे या किसी और कन्वेंस में मैंने इन गुड्स को किसी और मोड ऑफ कन्वेंस में मैंने वहां भेजा होगा, तो क्या वो कन्वेंस भी सप्लाई हो गया क्या? जैसे मैंने ट्रक में रख के कुछ गुड्स एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भेजे तो क्या ट्रक भी सप्लाई कर दिया क्या? नहीं ना यार, ट्रक मान लो हमारा खुद का था, मुंबई ब्रांच का ट्रक था, वो ट्रक में पार्ट्स कंपोनेंट्स या कोई भी गुड्स स्टॉक रखा, दूसरी ब्रांच इंटर स्टेट दिल्ली भेज दिया मान लो, तो ट्रक क्या करने वाला है सर? वो गुड्स वहां पे अनलोड करके ट्रक वापस आएगा ना यार, ट्रक थोड़ा सप्लाई कर दिया हमने, तो मोड ऑफ कन्वेंस जो गया है गुड्स को अनलोड करने के लिए, गुड्स छोड़ने के लिए, या डायरेक्टर अपनी कार में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जा रहा है, मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो क्या ट्रक सप्लाई, क्या वो कार सप्लाई हो गई क्या? नहीं, मोड ऑफ कन्वेंस कभी भी सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने परमानेंटली मुंबई से दिल्ली वो परमानेंट मोड ऑफ कन्वेंस ट्रांसफर कर दिया, मतलब ट्रक भी वही शिफ्ट कर दी परमानेंट, तो बात अलग होगी ना सर, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में ऑब्वियसली नहीं आता। अच्छा, मान लो जिस ट्रक में मैंने मुंबई से दिल्ली गुड्स भेजा था, स्टॉक भेजा था, वो ट्रक वहां पे खराब हो गई सर दिल्ली में, और दिल्ली ब्रांच में हमारा एक मैकेनिक है जो ट्रक सर्विसेज का काम ही करता है, हमारी दिल्ली ब्रांच ट्रक सर्विस का काम भी करती है, तो हमने दिल्ली ब्रांच में हमारी मुंबई ब्रांच की ट्रक की सर्विसिंग करा दी, तो सर गुड्स था कहाँ का? मुंबई ब्रांच का ट्रक,
जिसका रिपेयरिंग किसने किया, दिल्ली ब्रांच ने। तो दिल्ली ब्रांच ने क्या किया, सर्विसेज सप्लाई करी मुंबई ब्रांच को इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, रिपेयरिंग सर्विस। ओके चलिए एक और लास्ट सर्कुलर सर। अब मान लो हम एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है सर। अब इंजीनियरिंग कंपनी क्या करती सर, सर बड़े बड़े प्लांट्स का रिपेयरिंग करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी फैक्ट्रीज में जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनकी रिपेयरिंग हम करते हैं। अब सर बड़ी प्लांट की रिपेयरिंग करने के लिए वो प्लांट तो खोल के हमारे यहां लाएंगे नहीं सर, हम क्या करते हैं, हमने एक 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 मशीन एक ट्रक जो होती है ना बेटा, उसी पर हमने सारी मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करी हुई है, क्रेन हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स, टूल्स, कंपोनेंट्स सर, रिपेयरिंग मशीन्स वगैरह सब हमने उस पर इंस्टॉल करी हुई है, पता ना सर, सर मशीन ऑन दी व्हील्स। तो सर हम क्या करते हैं, जिस क्लाइंट के यहां से हमारे को ऑर्डर आता है सर्विसिंग का, हम वहां पे हमारी वो मशीन भेज देते हैं विच इज ऑन दी व्हील्स, क्लियर, वहां रिपेयरिंग करके वापस आ जाता है सर। तो ऐसे केस में वी आर सप्लाइंग आर सर्विसेज टू आर क्लाइंट। अब सर मान लो एक ब्रांच मेरी कहा है मुंबई, एक कहा है सर दिल्ली। अब सर दिल्ली से भी हम सर्विसेज देते हैं क्लाइंट को, मुंबई से भी देते बेटा। अब ऐसे जो व्हील्स, जब मशीन ऑन द व्हील्स है, इस तरह के ट्रक हमारे 10-15 है मुंबई में भी, 10-15 है दिल्ली में भी। पर सर मान लो दिल्ली ब्रांच में बहुत ज्यादा डिमांड आ गई इस काम की, मुंबई ब्रांच में 2 ट्रक एक्स्ट्रा पड़े, तो दिल्ली ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को बोला कि प्लीज अपना एक ट्रक भेज दो, एक मशीन हमारे यहां भेज दो, सो दैट हम हमारे क्लाइंट को सर्विसेज दे पाए। तो सर वो मशीन हमने हमारे यहां से वहां भेज दी। तो क्या परमानेंट भेज दी क्या, क्या मशीन सप्लाई हो गई क्या, नहीं वो टेम्पररी गई सर। हाँ उस ट्रक में जो कंज्यूमेबल्स होंगे, जो रिपेयरिंग के टाइम पे कंज्यूम हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, बस वो आइटम्स को सप्लाई के स्कोप में कवर किया जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट ट्रांसफर हो गया है, वो वापस नहीं आने वाला है, क्लियर। अदरवाइज पूरी ट्रक या मशीन या क्रेन वगैरह जो भी उसपे है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्लियर डन। तो सरकार ये था आपका कुछ सर्कुलर रिगार्डिंग डिस्टिंक्ट पर्सन, आई होप पिक्चर पूरी समझ में आ गई आपको बेटा। ओके नाउ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स, शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, पैरा नंबर 2 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ध्यान देना बेटा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, नहीं तो दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, सर कोई बेटा अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, एडवाइस दी सर, क्लियर, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सुनिएगा ध्यान से, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई के स्कोप में होगा, नहीं तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। एग्जाम्पल सर, सरकार मैं क्या बनाता हूं, मान लो मोबाइल फोन, आई एम अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर, क्लियर, मैंने क्या किया सर, ये मोबाइल फोन सर क्या किया, अपने रिलेटेड पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ फ्री सैंपल, कि तुम यूज करो इसको, देखो कि सर इसकी क्वालिटी कैसी है, कुछ कमी हो तो हमें बताइए, हम इंप्रूव करेंगे। अब सीन्स मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूं, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मेरा मोबाइल है सर, और मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को दिया है, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। सेकंड सर एम्प्लॉई, ध्यान देना बेटा, एज पर डेफिनेशन ऑफ द रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी, एम्प्लॉई भी रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आता है। तो अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अपने एम्प्लॉई को दिया है ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। पर एक एक्सेप्शन बना दिया और बोल दिया क्या, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स अप टू अ वैल्यू ऑफ ₹50,000, गिफ्ट्स अप टू अ वैल्यू ऑफ ₹50,000, अगर एक कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है इन अ फाइनेंशियल ईयर पर एनम पर एम्प्लॉय ₹50,000 तक के गिफ्ट अगर देता है कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई ही नहीं होगा सर, क्लियर। आज फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल लेता हूं जियो मोबाइल का। अब जियो सर टेलीफोन कनेक्शन, अब सर जो भी जियो के एम्प्लॉय है, मान लो जियो ने क्या किया हुआ है, अपने सारे एम्प्लॉय घर पे फ्री वाईफाई कनेक्शन लगाया हुआ है, और वो फ्री वाईफाई जो कनेक्शन है उसका पर मंथ, अगर यूजुअली दूसरा कोई कस्टमर होता तो उसके ₹1,000 पर मंथ चार्ज होता, तो ₹12,000 पर मंथ एक तरह से पर एम्प्लॉय को उन्होंने फ्री गिफ्ट दे रखा सर। सिंस इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई ऑफ सर्विस है बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन, क्लियर, सप्लाई के स्कोप में आता है, पर सिंस वो एम्प्लॉई है, पर एनम पर एम्प्लॉई ₹50,000 तक के गिफ्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। तो पर एनम पर एम्प्लॉई 50,000 तक की वैल्यू तक के गिफ्ट अगर दिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे मेरे भाई। ओके सर एक और बात ध्यान रखना,
रिलेटेड पर्सन के स्कोप में फैमिली भी आता है, फैमिली में सर स्पाउस और चिल्ड्रन आते हैं, स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा रिलेटेड के स्कोप में आएंगे, पर ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ये रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आएंगे इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेम पर्सन और ऑन द सेड पर्सन। मतलब अगर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर आप पे डिपेंडेंट है तो ही वो रिलेटेड के स्कोप में है, वरना वो रिलेटेड के स्कोप में नहीं है। एग्जाम्पल सर कोई लॉयर है, आपका भाई है जो लॉयर है बेटा, और आप मोबाइल बेचते हो बेटा, तो सर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, दोनों रिलेटेड नहीं है। कहते ना अपने भाई को तू मेरा रिश्तेदार नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। क्लियर? तो सर ध्यान रखिएगा पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ये रिलेटेड के इसको में तभी आएंगे जब ये आप पे डिपेंडेंट हो या आप इन पे डिपेंडेंट है। ओके डन सरकार, ये हो गया आपका पॉइंट रिगार्डिंग पैरा नंबर टू ऑफ शेड्यूल नंबर वन। ओके सर पैरा नंबर थ्री शेड्यूल वन का सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल, दिल थाम के सुनेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। आई रिपीट द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है सर। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। मतलब जब प्रिंसिपल अपने एजेंट के गुड्स भेज रहा है उसको सप्लाई के स्कोप में कवर कर लिया, ऑल दो दैट इज विदाउट कंसिडरेशन। अगर वो एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इसको समझा देता हूं मैं बेटा। सर जब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेचेगा, मान लो आई एम रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, मेरा एक एजेंट है जो पुणे में है सर, सरकार क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है सर, वो सीएनडीएफ एजेंट, मैं क्या करता हूं कुछ गुड्स उसके यहां भेज के रखता हूं, स्टॉक में रहता है उसके पास गुड्स, सो दैट कस्टमर आया फटाफट गुड्स बेचा, टाइम खराब नहीं हुआ। सर अब जब वो कस्टमर को गुड्स भेज रहा है, सर प्रिंसिपल सॉरी प्रिंसिपल एजेंट के है गुड्स भेज रहा है, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, वो अगली लाइन पे डिपेंड करेगा। अगर एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेचता है तब कब माना जाएगा कि एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उसके लिए सर्कुलर आया हुआ है। वो क्या कहता है, अगर एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेचता है एट द टाइम जब वो इनवॉइस इश्यू कर रहा है तो वो खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है। एजेंट इज इश्यूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम टू द कस्टमर, इट मींस एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू द कस्टमर ऑन हिज बिहाफ ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो सुनना बच्चों ध्यान से, तो एजेंट अगर कस्टमर को खुद के नाम का बिल दे रहा है इसका मतलब तो ये हुआ ना सर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजा होगा और वो एजेंट की गुड्स मानी जाएगी, तब जाके तो वो एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ने जब एजेंट को गुड्स भेजी तो मान लिया जाएगा वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि कोई गुड्स का मालिक अगर एजेंट है ऑन रिकॉर्ड ऑफ द जीएसटी तभी तो वो अपना बिल रेज करके कस्टमर को दे पाएगा गुड्स। तो प्रिंसिपल के यहां से एजेंट क्या जब गुड्स गया तो उसको सप्लाई के स्कोप में मान लिया जाएगा, उसको जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और अगर एजेंट खुद का बिल अगर इश्यू कर रहा है, खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है, तो वो सप्लाई के, तो जब प्रिंसिपल के यहां से एजेंट को जाएगा वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, बिल पे जीएसटी लगेगा, उसका क्रेडिट एजेंट ले लेगा, एजेंट जब कस्टमर को बिल लिखेगा उस पर जीएसटी लाइबिलिटी आएगी, उस क्रेडिट को यूज कर लेगा सर, बैलेंस पे कर देगा। क्लियर? पर अगर वो एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेच रहा है उस टाइम बिल बुक यूज कर रहा है, इनवॉइस बुक यूज कर रहा है किसका, प्रिंसिपल का, इफ दैट एजेंट इज यूजिंग द इनवॉइस ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जब कस्टमर को गुड्स बेच रहा है एजेंट तब बिल किसका जा रहा है बेटा, प्रिंसिपल का ही बिल जा रहा है। इट मींस कस्टमर को गुड्स बेचा किसने, प्रिंसिपल ने बेचा, एजेंट तो बेच नहीं रहा है। क्लियर? तो ऐसे कैसे प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां जब गुड्स जाएगा वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, मेयर डिलीवरी चालान के थ्रू ही गुड्स वहां पहुंच जाएगा। और जब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेचेगा तब प्रिंसिपल का इनवॉइस कस्टमर को जाएगा, तब सप्लाई के स्कोप में प्रिंसिपल टू डायरेक्ट कस्टमर होगा। क्लियर? और एजेंट अपना कमीशन का बिल लिख देगा किसको, प्रिंसिपल को, उस पे सप्लाई ऑफ सर्विस का वो बिल लगा देगा और जीएसटी लगा देगा सर। क्लियर? डन सर। ये है क्या प्रिंसिपल टू एजेंट। अच्छा एक बात ध्यान देना बेटा, एडिशनल बात बता रहा हूं, सर्कुलर में भी आया हुआ है, आगे रजिस्ट्रेशन में भी हम पढ़ेंगे। यह लिखा है क्या, अगर एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब एजेंट खुद के नाम का बिल इश्यू करा है कस्टमर को, तो ऐसे एजेंट को 20 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसे एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 24 में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, पर लिंक करने के लिए बताया मैंने आपको। ऐसे एजेंट को कोई थ्रेशोल्ड बेनिफिट नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना पड़ता है। ओके सर, हाँ अगर वो गुड्स जो बेच रहा है वो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट गुड्स ही है सर,
प्रिंसिपल जो एजेंट को गुड्स दे रहा है वो सारे के सारे कौन है, क्या है, फूड ग्रेन से मान लो, और फूड ग्रेन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। वैसे गुड्स का टैरिफ हमारे कोर्स में नहीं आता, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, और वो केवल एग्जेम गुड्स से सप्लाई करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो ऐसे केस में तो एग्जेम गुड्स के केस में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती, सेक्शन नंबर 23 में ही लिखा हुआ है, तो बात अलग होगी। अदरवाइज एक रुपए का भी टैक्सेबल गुड्स उसने सप्लाई किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, खुद का इनवॉइस अगर रेज कर रहा है एजेंट, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, कोई थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलता। माहौल सरकार, आई होप बात आपको पूरी समझ में आ रही है। ओके सर, अब पैरा नंबर 3 में रिवर्स पॉइंट भी है सर, शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, ट्रांजेक्शंस विदाउट कंसिडरेशन जो सप्लाई के स्कोप में आएंगे सर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब मैंने आपको मान लो बाइंग एजेंट अपॉइंट कर दिया, मेरे जितने भी रॉ मटेरियल से जो भी मशीन से आप परचेस करोगे, मेरे बिहाफ पे आप परचेस करोगे, आपका परचेसिंग पावर बहुत जोरदार है। अब आप क्या करते हो, मेरे बिहाफ पे परचेस करते हो, तो सप्लायर से जो बिल लिखवाते हो वो खुद के नाम पे लिखवाते हो, तो यू आर बाइंग द गुड्स ऑन माय बिहाफ। तो सर आपने खुद के नाम का बिल लिखवाया तो क्रेडिट भी आपके पास आ रही होगी। अब ऐसे केस में आप जब एजेंट मेरे को गुड्स भेजेगा तो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा, ये मानेंगे कि एजेंट ने गुड्स बेचा है प्रिंसिपल को, और सर सेल पर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी, और परचेस के टाइम पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी एजेंट ले लेगा। क्लियर, ये था पैरा नंबर 3। वापस बोल देता हूं मैं सर, दोनों पॉइंट वापस बोल रहा हूं, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। चलो एक सर्कुलर और था वो भी बताता हूं मैं आपको, डेल क्रेडर एजेंट वाला डीसीएम। मान लो आप कौन हो, डेल क्रेडर एजेंट हो सर, मैं प्रिंसिपल हूं सर। अब डेल क्रेडर एजेंट क्या करता है सर, कस्टमर को एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देता है, उधार अलाउ कर देता है, और उसके वजह से वो कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले लेता है सर, पर मेरे को तो इंस्टेंट पैसा चाहिए, प्रिंसिपल को वो इंस्टेंट पेमेंट कर देता है, पेमेंट की गारंटी एक तरह से एजेंट की होगी सर, तो उसकी वजह से क्या होता है सर, थोड़ा सा कमीशन हम उसको एक्स्ट्रा दे देते हैं डेल क्रेडर एजेंट को, क्योंकि उसका पेमेंट सिक्योर हो गया ना यार सप्लायर का, प्रिंसिपल का। तो सर अब सुनना बच्चों ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का गुड्स था, प्रिंसिपल ने भेजा एजेंट के यहां पे, एजेंट ने इंस्टेंट पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल को, और उसने क्रेडिट दे दिया किसको, कस्टमर को, एजेंट क्या जो कस्टमर आया उसको क्रेडिट दे दिया 2 महीने का, और 2 महीने का उसने 2 लाख रुपए इंटरेस्ट और रिकवरी कर लिया। कस्टमर से पहले बात कर लिया, भाई मैं 2 मंथ का क्रेडिट दे दूंगा, पर 2 लाख रुपए तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% पर मंथ के हिसाब से। ओके सर, अब सर उसने कस्टमर से कितना लिया, 1 करोड़ 2 लाख, मेरे को कितना दिया, 1 करोड़। अब समझना बात को ध्यान से, क्वेश्चन ये आया, सर्कुलर ये आया कि जीएसटी जब कस्टमर को बिल जाएगा 1 करोड़ 2 लाख पे लगेगा या केवल 1 करोड़ पे लगेगा, दिस वॉज द क्वेश्चन। अच्छा उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूं, सेक्शन 15 जो वैल्यूएशन का है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर डी में यह बात लिखी हुई है कि अगर सप्लायर ने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया, लेट पेमेंट फीस चार्ज करी, या कोई डिफॉल्ट किया उसने पेमेंट में, उसके लिए कोई फीस या पेनल्टी चार्ज करी, तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट होगा, वो भी फीस का पार्ट होगा, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। क्लियर, तो सर अब ये डेल क्रेडर एजेंट में अपने को ये डिफाइन करना है कि यहां पे सप्लायर कौन है। अगर सप्लायर एजेंट है और सप्लायर ने अगर इंटरेस्ट चार्ज किया कस्टमर से तो वो वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, और अगर सप्लायर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का बिल गया डायरेक्ट किसको, कस्टमर को, तो प्रिंसिपल के पास तो 1 करोड़ ही आया, वो तो 1 करोड़ पे ही टैक्स लगाएगा। क्लियर, तो सर यहां पे अगेन डिपेंड करेगा कि वो एजेंट क्या शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब क्या एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सुनना बात ध्यान से, अगर वो डेल क्रेडर एजेंट कस्टमर को जो इनवॉइस लिख रहा है वो प्रिंसिपल का ही इनवॉइस लिख रहा है, मतलब ही इज नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 1, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ही डायरेक्ट गुड्स बेच रहा है किसको, कस्टमर को, यहाँ पे 1 करोड़ पे ही क्या लगेगा जीएसटी। अच्छा 2 लाख रुपए जो एजेंट को इंटरेस्ट मिला है वो तो एक तरह से क्या हुआ, एजेंट ने उस कस्टमर को क्या दिया, लोन दिया है, और लोन पे अगर इंटरेस्ट की इनकम होती है तो उस इंटरेस्ट पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, ये मेगा एग्जम्प्शन लिस्ट में लिखा है सर, क्योंकि यहां पे एजेंट इज नॉट द सप्लायर। सेकंड, अगर एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब एजेंट अपना ही इनवॉइस दे रहा होता किसको, कस्टमर को, एजेंट अगर अपना बिल दे रहा होता कस्टमर को, तो ऐसे केस में क्या होता भाई, इट मींस एजेंट इज सप्लाइंग टू द कस्टमर, एजेंट सप्लायर है, और सप्लायर अगर 1 करोड़ जो प्राइस है उसके ओवर एंड अबाउट 2 लाख रुपए जो इंटरेस्ट रिकवरी किया है वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा अगर सप्लायर कस्टमर से लेता है, तो यहां पे सप्लायर एजेंट है बेटा, सप्लायर ले रहा है,
तो ऐसे केस में 1 करोड़ 2 लाख पूरे पे क्या लग जाएगा भाई, जीएसटी लग जाएगा, वो 2 लाख विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ओवर एंड अबव द प्राइस कस्टमर ने, कस्टमर से सप्लायर ने कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन लिया तो वो वैल्यू का पार्ट होता है सर। क्लियर, डन। तो 1 करोड़ 2 लाख पे जीएसटी लगेगा अगर वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट है। तो जब प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के गुड जाएगा वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, वो तो प्रिंसिपल ने जो 1 करोड़ का बिल लिखा होगा उस पर जीएसटी लगेगा सर, उसका क्रेडिट लेगा एजेंट, और एजेंट जब आगे बिल लिखेगा वो पूरे 1 करोड़ 2 लाख पे जीएसटी लगाएगा। क्लियर, और 1 करोड़ पे जो प्रिंसिपल ने जीएसटी लगा के दिया होगा उसका वाईटीसी ले लेगा सर। क्लियर, ओके डन। ये हो गया क्या डेल क्रेडर एजेंट वाला सिस्टम, आई होप आपको समझ में आया बेटा पूरा पॉइंट। क्लियर डन। सरकार, अच्छा प्रिंसिपल टू एजेंट कितने अमाउंट का इन्वॉइस बनेगा वो तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया 1 करोड़ का, वैसे इसके लिए रूल नंबर 29 दिया हुआ वैल्यूएशन के अंदर, तब बात कर लेंगे हम। क्लियर, पर कुल मिला के कस्टमर को 1 करोड़ 2 लाख पे जीएसटी लगेगा अगर एजेंट जो कस्टमर को बिल दे रहा है वो खुद के नाम का दे रहा है तो। ओके माहौल सरकार, ये था आपका पैरा नंबर 3 शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 4। अच्छा शेड्यूल 1 क्या है, 4 ट्रांजेक्शन जहां पे कंसिडरेशन के बिना ट्रांजेक्शन हो रहा है फिर भी सप्लाई हो रहा है, शेड्यूल नंबर 1। पैरा नंबर 4 बोलता है क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, देखो बेटा ये विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन होता तो वैसे भी सेक्शन नंबर 71B में कवर था, भले वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो। यहां बात कर रहा हूं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब आपका कोई डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट, कोई ब्रांच या कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या कोई एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया है उससे आपने कोई सर्विसेज रिसीव करी है, या फिर आपका रिलेटेड पर्सन आउट ऑफ इंडिया है उससे आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन है। क्लियर, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन, भले वो पर्सन जो इंपोर्ट करा सर्विस वो टैक्सेबल पर्सन हो या नहीं हो, मतलब वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, कोई भी पर्सन अगर सर्विसेज इंपोर्ट करता है फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा। क्लियर, अब सर ऐसे केस में एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो आपका भाई आउट ऑफ इंडिया है, जनरल सीएफएल का क्वेश्चन भी था, वो एक एडवोकेट है और आप इंडिया में बिजनेस करते हो और आपको उसने लीगल एडवाइजरी दी है किसी क्लाइंट से झगड़ा हो गया उससे रिलेटेड मैटर में। क्लियर, विदाउट कंसिडरेशन है, बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, आंसर इज नो। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में यस लिख देते सप्लाई के स्कोप में आएगा, भाई वो आपका ब्रदर है, हाँ दिल से वो भाई है पर जीएसटी पर्पस के लिए वो भाई नहीं है, क्यों, वो रिलेटेड के स्कोप में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू बिकॉज ही इज एन एडवोकेट, तो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट थोड़े, वो आप बेटा आप भी अपना बिजनेस करो वो भी अपना बिजनेस करा, मस्त है दोनों। क्लियर, ध्यान देना बेटा यहाँ पे वर्ड्स जरूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन जब पूछता है तो वहां पर रिलेटेड पर्सन है नहीं जरूर डिफाइन कर लेना। क्लियर, यही अगर वो लिख देता कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ रिलेटेड पर्सन, बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन, साफ लिख देता रिलेटेड पर्सन है, साफ लिख दिया रिलेटेड पर्सन है, बात खत्म। क्लियर, इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए होना चाहिए बेटा। क्लियर, पर्सनल पर्पज के लिए आपने कोई भी एडवाइस ली है तो सर वो तो ऑब्वियसली सर भाई है, पर्सनल लेवल पे कोई भी बात कर सकते हैं हम लोग एक दूसरे में, सप्लाई थोड़ा होगा बेटा वो। क्लियर डन, तो सर ये था आपका शेड्यूल नंबर 1, वो 4 ट्रांजेक्शन जहां पे सप्लाई होगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, चारों ट्रांजेक्शन वापस बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, पर अगर एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 रुपए तक के गिफ्ट दिए तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। पैरा नंबर 3 बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एंड थर्ड के अंदर सेकंड पार्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एंड पैरा नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बाय अ पर्सन, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है, सप्लाई होगा, जीएसटी लगेगा सब। क्लियर, ये शेड्यूल नंबर 1, ये वो 4 पैरा थे जिसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई के स्कोप में आ रहा है ट्रांजेक्शन। देखो वापस आप सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए सर, यहां पे कंसिडरेशन भी होना चाहिए प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। देखो 90% ट्रांजेक्शन्स हिंदुस्तान के अंदर यहां पे कवर हो जाएंगे, मोर देन 90%,
क्लियर, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन करते हैं फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस. सेकंड, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस कुछ ट्रांजेक्शन, जैसे सर netflix.com वाले ट्रांजेक्शन यहां कवर हो जाएंगे. देन सर शेड्यूल वन के चार ट्रांजेक्शन जहां पर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी क्या है सप्लाई है, सर वो चार पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन यहां कवर होंगे. अब सर जो भी ट्रांजेक्शन यहां पर क्लोज नंबर ए बी और सी में कवर होते हैं, जो भी क्लोज नंबर ए बी और सी में कवर होते हैं वो ही सप्लाई के स्कोप में आएंगे, ध्यान रखिएगा बेटा. और अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आता है तो आगे बात होगा, क्योंकि लेवी होगा तब जाके कलेक्शन की बात आएगी, तब जाके लायबिलिटी की बात आएगी सर. क्लियर, सबसे पहले होता है लेवी, लेवी होगा तो लायबिलिटी आएगी, लायबिलिटी आएगी तो पेमेंट होगा, पेमेंट नहीं होगा तो कलेक्शन की बात आएगी सर, रिकवरी की बात आएगी. ओके क्लियर डन, ये हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सप्लाई के स्कोप में क्या क्या आता है. ओके अब सब सेक्शन 1 ए क्या कहता है सुनिएगा बच्चों ध्यान से. सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ए कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आता है एज पर क्लोज नंबर ए, एज पर सब सेक्शन नंबर 1, मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई के स्कोप में है एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 और वहां पे अगर कोई डिस्प्यूट है कि ये सप्लाई तो है पर सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो वहां पे उन कुछ केसेस के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए शेड्यूल नंबर 2 आया. और यहां पर शेड्यूल 2 केवल और केवल ये डिफाइन करने आया है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा. सर ध्यान दीजिएगा, पुराने लॉ में सर्विस टैक्स एक्साइज वेट वगैरह में कुछ झगड़े थे जहां पर यह डिफाइन नहीं था कि जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी है सप्लाई ऑफ सर्विस भी है, तो वेट के अंदर कुछ पोर्शन पे वेट लगता था और कुछ पोर्शन पे सर्विस टैक्स था, क्योंकि सर्विस टैक्स वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेट वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, झगड़े थे बेटा. रेस्टोरेंट झगड़ा था, फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज झगड़े थे बेटा. इसलिए उन सब डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए, उन सब डिस्प्यूट्स को क्लेरिफाई करने के लिए शेड्यूल 2 आया. और शेड्यूल 2 ने केवल ये बोला क्या, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है इस पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1, वहां पे डिस्प्यूट जो है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है उसको हम क्लेरिफाई कर देंगे थ्रू शेड्यूल 2. और वहां पे 7 पैराज दिए जिन्होंने डिफाइन किया कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है, जो हम पढ़ेंगे अगले सेशन में. आई होप यहां तक पिक्चर आपको पूरी क्लियर है सर, मजा आ रहा है, माहौल बन रहा है आपके एंड पर. और सर सबसे इंपॉर्टेंट है क्या सर, सारी चीजों को समझना. ओके आई थिंक ये फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए यूजफुल रहेगा सारे टॉपिक को फास्ट मैनर में कवर करने के लिए. ओके सर एक एक एग्जांपल देखिए, मैं कोशिश करूंगा सारे टॉपिक आपको समझा दूं सो दैट आपके सारे टॉपिक भी कवर हो जाए और टाइम भी आपको कम लगे. ओके चलिए अभी आपको कुछ क्लिक करना तो कर लीजिए आपके मोबाइल से. यस सर, डॉन के केस में कौन लायबल है वो वाला स्लाइड मैं हट जाऊंगा आपकी जिंदगी से सामने से. चलो हट जाते हैं, ये लो साहब मंगल गायब, बहुत लोग तो खुश हो रहे हैं स्माइल कर रहे हैं. ये सेक्शन नंबर 9(5) वाला, ओके हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फोटो खींच लीजिए, इसको कॉपी करना आपकी नोटबुक में अगर आपको लगे रिक्वायरमेंट है तो. डन इफ यू टैक्सेबल इवेंट वाला प्रोविजन, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई, ठीक है सर. Then, supply का स्कोप, सप्लाई इंक्लूड्स, वैसे हम आगे सब सेक्शन 2-3 पढ़ेंगे पर जहां तक पढ़ा है उतना एक बार क्लिक कर लीजिए. एंड प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे बच्चों कि जितना आप यहां पढ़ रहे हो सेम डे आपके एंड पर कंप्लीट कर लो बुक से, तो ये फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा. ओके प्लस मैंने यूट्यूब पे रिविजन लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसका रिविजन लेक्चर यूट्यूब पे देख लो आप, मजा बनने लग जाएगा, माहौल बनने लग जाएगा, चैप्टर के चैप्टर आपको पूरे पूरे सर आपके दिमाग में रहेंगे, मजा आता रहेगा आपको. कॉपी करो इसको भी, ओके ये भी एक रिक्वायर्ड. ओके मालिक ठीक है. ओके चलिए सर मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए पर मन लगा के पढ़ो और खुश होकर पढ़ो विच इज मोर इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच सर. ध्यान दीजिएगा, लाइफ लाइफ बहुत लंबी है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं हमारी डेस्टिनी अभी जैसे सीए डिग्री वो मिल जाएगी फिर हम खुश होंगे. नहीं सर, ट्राई टू एंजॉय द जर्नी ऑफ द लाइफ, क्योंकि सर डेस्टिनी तो हमको मिलने ही वाला है आज नहीं तो कल, और डेस्टिनी केवल एक दो दिन का ही खुशी होती है.
क्लियर सर, क्योंकि एक डेस्टिनी मिलने के बाद हमारा टारगेट नेक्स्ट डेस्टिनी होता है, इसलिए जर्नी को एंजॉय करिए, मजा आएगा आपको जिंदगी में, मस्त रहिए, और जो जर्नी एंजॉय करता है उसको डेस्टिनी जल्दी मिलती है, अच्छी मिलती है, मजे से मिलती है, माहौल के साथ मिलती है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू अ लॉट।